हाय देयर, ये STS-630 रिसर्च मेथड्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाई जाएंगी और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल। कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं या फिर मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो कि हेल्प करता है डिस्क्राइब करना या एक्सप्लेन करना एक पर्टिकुलर फिनोमेना का। और वेरिएबल दूसरी तरफ जो है वो मेजरेबल है या ऑब्जर्व फिनोमेना है दैट टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज या फिर लेवल्स। सो कॉन्सेप्ट, सो ऑब्जर्वेशन से मुराद जो है वो एक्ट है परसीव करने का, नोटिस करने का किसी भी चीज़ को सेंसेस के जरिए या फिर गैदर करते हुए इन्फॉर्मेशन। सो ऑब्जर्वेबल जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर फिनोमेना है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। रियलिटीज जो है वो फिजिकल हो सकती हैं या एब्स्ट्रैक्ट। फिजिकल रियलिटीज टेंजिबल होती है और एग्जिस्ट करती है फिजिकल वर्ल्ड में जैसे कि ऑब्जेक्ट्स या फिर इवेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी दूसरी तरफ जो है वो कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल होती है नेचर में जैसे कि आइडियाज, इमोशंस या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। सो आइडेंटिफाई करने के लिए एंड रेफर टू अ रियलिटी हम जो है असाइन करते हैं एक नेम उसको। सो नेम अलाउस हमें अलाउ करता है क्या कम्युनिकेट करने दूसरों के साथ स्पेसिफिक एंटिटीज़ या कॉन्सेप्ट के बारे में। और नेम जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्ट है लैंग्वेज का, एनेबल करता है हमें कि कन्वे करें मीनिंग और शेयर करें इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली। नेम एज लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट एसेंशियली लेबल्स हैं या फिर सिम्बॉल हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, और ये कॉन्सेप्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है रियलिटीज़ की। सो यूज़ करते हुए नेम्स को या कंस्ट्रक्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स को अराउंड अस। सो कॉन्सेप्ट आर मेंटल इमेजेस ऑफ रियलिटी। कॉन्सेप्ट इज एन आइडिया वर्ड, आइडिया एक्सप्रेस एज सिंबल और इन वर्ड्स। सो कॉन्सेप्ट जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है या मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है सिंबल्स के जरिए या वर्ड्स के जरिए। वर्ड्स इन देमसेल्फ आर सिंबल जो कि कैरी करते हैं मीनिंग को और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। सो जब लोग एग्री होते हैं, व्हेन पीपल एग्री टू असाइन स्पेसिफिक साउंड्स या फिर रिटन सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए सर्टेन आइडियाज या कॉन्सेप्ट, वो क्रिएट करते हैं एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। और ये एग्रीमेंट अलाउ करता है इंडिविजुअल को के कन्वे करें देयर थॉट्स एक्सपीरियंस और नॉलेज यूज़ करते हुए एक शेयर्ड सेट जो है सिम्बल्स का जो कि वर्ड्स होते हैं। इन द केस ऑफ स्पोकन या फिर रिटन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को कंसिडर भी किया जा सकता है सिम्बल देमसेल्फ। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग या फिर मेंटल फ्रेमवर्क एसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर आइडिया से या कैटेगरी। और दीज कॉन्सेप्चुअल सिम्बल हेल्प करता है करते हैं हमें ऑर्गेनाइज और मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। अलाउ करता है हमें कि रिकग्नाइज करें पैटर्न्स, ड्रॉ करें कनेक्शंस और कम्युनिकेट करें कॉम्प्लेक्स थॉट्स और इन्फॉर्मेशन। सो एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। टेबल, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, मोरल ये एग्जाम्पल हैं लेबल्स की या फिर नाम्स की जो कि हम असाइन करते हैं स्पेसिफिक फिनोमेना को या रियलिटीज़ को। ये फिनोमेना एग्जिस्ट होते हैं एम्पेरिकल रियलिटी में जो कि वर्ल्ड है जो हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। कॉन्सेप्ट उसी तरह रिप्रेजेंट करता है इन फिनोमेना को ना के रादर देन बींग फिनोमेना देमसेल्फ। वो सर्व करते हैं एज अ मेंटल एब्स्ट्रैक्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन एम्पिरिकल रियलिटी। कॉन्सेप्ट अलाउ करता है हमें कि कैटेगराइज करें, अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट करें उन फिनोमेना के बारे में ज़्यादा इफेक्टिवली। सो एब्स्ट्रैक्ट करते हुए एम्पिरिकल रियलिटी से कॉन्सेप्ट कैप्चर करता है एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट जो फिनोमेना के रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट है टेबल का एनकम्पेसिस द आइडिया ऑफ अ फ्लैट सरफेस। सपोर्ट मिलती है उसको लेग्स से, यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए जैसे कि ईटिंग या वर्किंग। ये कैप्चर करता है कॉमन फीचर जो है टेबल के हम जो कि हम एनकाउंटर करते हैं रियल वर्ल्ड में। सो ये एब्स्ट्रैक्शन हेल्प करता है हमें जर्नलाइज करना और मेक सेंस ऑफ डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो हम एनकाउंटर करते हैं। हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एनालाइज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए फिनोमेना, आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड्स और प्रिडिक्शन करना। ये डिसीजन जो है बेस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इन एब्स्ट्रैक्शन की। सो अब आपके सामने दिखाई जा रहे कॉन्सेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। अगर हम सबसे नीचे देखें यहाँ पर सो एम्पेरिकल लेवल है, और जबकि ऊपर लेवल की तरफ हम जाएं सो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। सो डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सो मूविंग अप द लेडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मीन्स मूव होना ज़्यादा स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ। सो हम जैसे असेंड करते हैं लेडर को बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है स्कोप में और लेस मेजरेबल होता है। अब आपके सामने है अ लेडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियलिटी है जिसको हमने एक नाम दिया
हमने उसको नाम दिया बनाना का, जब हमने एक रियलिटी देखी। सो एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर जब हम उसके ऊपर देखते हैं, सो ये फ्रूट है, और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर हम देखते हैं तो वेजिटेशन है। सो सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट जो है, सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। सो हम जब हम एनकाउंटर करते हैं बहुत से फिनोमेना या इवेंट्स हमारी लाइफ में, वी ऑफन हम फॉर्म करते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन या आइडियाज, जो कि जाने जाते हैं कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट ड्राइव्ड होते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट जैसे कि लव, हैप्पीनेस या फेयर, इनको शेप मिलता है हमारे इंडिविजुअल एनकाउंटर विद दीज इमोशंस। बोरिंग फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, सो प्रोसेस के अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग अवर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ल्ड की, हम ऑफन जो है वो ड्रॉ करते हैं, वी ऑफन ड्रॉ अपॉन आइडियाज, थ्यूरीज या फिर मैथड दूसरे डिसिप्लिन से। बोरो करते हुए कॉन्सेप्ट या इनसाइट दूसरी फील्ड से हम अप्लाई कर सकते हैं टू न्यू कॉन्टेक्स्ट, या फिर एनहेंस करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। फॉर इंस्टेंस, जो फील्ड है साइकोलॉजी की, बोरो करते हैं कॉन्सेप्ट बायोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, और न्यूरो साइंस से एग्जामाइन करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस। और उसके बाद है, वी डेवलप अ स्पेशलाइज जार्गन और टर्मिनोलॉजी फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो ज़्यादा एडवांस और स्पेशलाइज हो जाती है, सो इट ऑफन डेवलप उसके खुद के जारगोन्स या टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है, और ये स्पेशलाइज लैंग्वेज अलाउ करती है एक्सपर्ट को उस फील्ड के अंदर के कम्युनिकेट करें एफिशिएंटली और प्रिसाइसली। सो इम्पोर्टेंट टू रिसर्च, कॉन्सेप्ट जो है वो फंडामेंटल है टू ऑल फॉर्म्स ऑफ थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। ये जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आइडियाज जो कि हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करना या और कैटेगराइज करना द वर्ल्ड अराउंड अस, वेदर कि हम सोच रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं आवर सेल्फ लैंग्वेज के जरिए। कॉन्सेप्ट प्ले करता है क्रूशल रोल इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। उसके बाद है द नीड फॉर कॉन्सेप्ट प्रिसिशन एंड इन्वेंटिवनेस अराइजेस जब हम एनकाउंटर करते हैं कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो कि रिक्वायर करता है केयरफुल डेफिनेशन और डिफ्रेंसिएशन इन सर्टेन डोमेन्स जैसे कि साइंस या फिलोसफी। प्रिसाइज और वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट असेंशियल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए। एडिशनली, इन क्रिएटिव एंडिवर जैसे कि आर्ट या इनोवेशन, एबिलिटी जो होती है इन्वेंट करने की नई कॉन्सेप्ट या कंबाइन करना एग्जिस्टिंग वन नोवेल वे में, उससे क्या होता है इनोवेटिव ब्रेक थ्रू। कॉन्सेप्ट जो है वो प्ले करते हैं क्रूशल रोल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में, पर्टिकुलरली साइंटिफिक रिसर्च में। जब फॉर्मुलेट किया जाए एक हाइपोथेसिस, रिसर्चर प्रपोज करते हैं एक एक्सप्लेनेशन या फिर पॉसिबल रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के दरमियान, जो कि बेस करता है एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट और नॉलेज। कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है बिल्डिंग ब्लॉक हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के लिए, और गाइड करता है फॉर्मुलेशन टेस्टेबल प्रोडिक्शन की, उससे जो है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और डिस्कवरी होती है। सो नाउ द डेफिनेशंस, कॉन्सेप्चुअल कन्फ्यूजन जो होती है वो रोक सकती है जो वैल्यू है। डेफिनेशंस प्ले करती है क्रूशल रोल मिटिगेट करने के लिए इन इशू को। सो दो तरह की डेफिनेशन जो है वो कॉमनली यूज होती है, थ्योरिटिकल या फिर डिक्शनरी डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन। सो थ्योरिटिकल या डिक्शनरी डेफिनेशन जो होती है, ये जो डेफिनेशन होती है प्रोवाइड करती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है टर्म की या कॉन्सेप्ट की। और ऑपरेशनल डेफिनेशन जो होती है, अनलाइक थ्योरेटिकल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन का फोकस होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट के। सो डिक्शनरी डेफिनेशन, सो जब डिफाइन किया जाता है कंस्ट्रक्ट जैसे कि कस्टमर, क्लाइंट या सेटिस्फाई वर्कर, सो इट इज ऑफन यूजफुल टू एम्प्लॉय दी अदर कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट टू प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो कस्टमर की बात करें, सो कस्टमर को डिफाइन किया जा सकता है इंडिविजुअल या एंटिटी जो कि परचेज करता है, यूज करता है प्रोडक्ट या सर्विस एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। क्लाइंट की बात करें, सो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्लाइंट जो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है डेट सीक्स स्पेशलाइज सर्विसेज या फिर एक्सपर्टीज दूसरी एंटिटी से। और सेटिस्फाइड वर्कर से मुराद, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज एन एम्प्लॉई जो कि हु एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करता है पॉजिटिव इमोशनल स्टेट और ओवरऑल कमिटमेंट जो है उसके वर्क एनवायरमेंट में। ऑपरेशनल डेफिनेशन, सो वर्किंग डेफिनेशन जो एक प्रोविजनल या टेम्परेरी डेफिनेशन है, जो कि एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग या फिर मेजरमेंट क्राइटेरिया। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग क्लियर और प्रैक्टिकल गाइडलाइन ऑब्जर्व करने के लिए, मेजर करने के लिए। कंस्ट्रक्ट, सो वर्किंग डेफिनेशन ऑफन इन्वॉल्व कॉन्क्रीट इंडिकेटर जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है मेजर इन एम्पेरिकल रिसर्च। सो
एम्पेरिकल इंडिकेटर्स जो है वो स्पेसिफिक और टेंजिबल मैनिफेस्टेशंस हैं या फिर मेजर होते हैं एक कंस्ट्रक्ट के, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है या फिर क्वांटिफाई, और ये इंडिकेटर ड्राइव होते हैं वर्किंग डेफिनेशन से और यूज़ होते हैं कलेक्ट करने के लिए डेटा रिसर्च स्टडी में। ये हेल्प करते हैं रिसर्चर्स को ऑपरेशनलाइज करना एब्स्ट्रैक्ट या कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट इंटू मेजरेबल वेरिएबल या फिर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। So we use both the definition in research. So research में we often follow, हम follow करते हैं अक्सर एक systematic process understand करने के लिए और study करने के लिए phenomena, ये process typically इसमें involved है, several stages होती हैं। So observable phenomena की अगर हम बात करें, so इससे बड़ा जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस है डेट स्पार्क्स इंटरेस्ट या फिर क्यूरियोसिटी रिसर्चर्स के अंदर। कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात करें, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कॉन्सेप्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेशनल फिनोमेना। उसके बाद कंसेप्चुअल डेफिनेशन, तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है इसमें इन्वॉल्व है डिफाइन करना कंस्ट्रक्ट को थ्योरेटिकल टर्म्स में। और ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करें, तो ये एक प्रैक्टिकल और मेजरेबल डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कंस्ट्रक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है या फिर मेजर्ड होता है स्टडी में। और उसके बाद फिर डेटा, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कलेक्ट हुई जो कि ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस यूज करते हुए ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो जरूर हाईलाइट कीजिए। ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।